स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। शब्द भेद क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका जो पहला प्रकार होता है नाउन, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ क्रीचर, प्लेस और थिंग एन एबस्ट्रेक्ट। जो नाउन होता है किसी क्रीचर मतलब प्राणी के नेम को, प्लेस जगह के नेम को, एन थिंग वस्तु के नेम को, एबस्ट्रेक्ट किसी भाव के नाम को या निराकार के नाम को नाउन बोलते हैं। जैसे राम, राम किसी राम एक प्राणी है। जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, एलिफेंट, ये सभी हमारे क्या होते हैं नाउन होते हैं। मतलब क्रीचर मतलब प्राणी होता है किसी भी प्राणी का नाम, मतलब को दुनिया में जो भी छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े से बड़े जीव जंतु जो मौजूद हैं उनको हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मतलब राम किसी व्यक्ति का नाम है उसको भी नाउन में रखेंगे, और टफी किसी कुत्ते का नाम है उसको भी नाउन में रखेंगे, देहरादून किसी जगह का नेम है वो भी नाउन है, पेन किसी वस्तु का नेम है वो भी, और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी हमारा क्या है निराकार है, यह भी हमारा क्या है नाउन है। तो आपको गाइज यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो नाउन होता है किसी प्राणी के नाम को, जगह के नाम को, वस्तु के नाम को और निराकार के नाम को क्या बोलते हैं नाउन। यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे राम किसी प्राणी का नाम है, यदि हम राइट कर दें यम ए एन, मैन मतलब आदमी होता है, मतलब मैन भी हमारा क्या है नाउन है, लेकिन ये नाउन तो है लेकिन ये कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है मतलब कॉमन नाउन में। अब चलिए हम नाउन के टाइप्स को देखते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है इज़ द नेम ऑफ क्रीचर, प्राणियों को नाम को, प्लेस जगह के नाम को, आर्थिक वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। जो नाउन का डेफिनेशन है लगभग वही मिलता जुलता हमारा प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन होता है, बस इसमें निराकार नहीं होता, बस स्ट्रेट मतलब निराकार। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें राम टफी दिलही उषा फैन। यहाँ राम किसी व्यक्ति का नाम है, टफी किसी कुत्ते का नाम है, दिलही जगह का नाम है, उषा फैन किसी वस्तु का नाम है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन में क्रीचर का नाम आता है, प्लेस का नाम होता है, थिंग का नाम आता है। उसके बाद होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन डिनोट्स मतलब प्रदर्शित करता है क्लासेस मतलब वर्ग या जात को। आप क्रीचर मतलब प्राणियों की जात का बोध कराता है, प्लेस जगह की बोध कराता है, थिंक वस्तु का नाम जैसे स्टेट। मान लीजिए जैसे मानते हो उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, मतलब कई स्टेट का नाम लें, राज्यों का नाम लें, उसमें कॉमन क्या होगा स्टेट, मतलब सभी को हम स्टेट कह सकते हैं। और जैसे फैन है, जैसे उषा कंपनी का फैन है, हैवेल्स कंपनी का फैन है, तो लेकिन हम उसको क्या बोल सकते हैं कि फैन है। जैसे बॉय राम, सोहन, रोहन, मतलब कई लड़कों का नाम है लेकिन उसमें कॉमन क्या है बॉय, मतलब कॉमन होने का मतलब ऐसी चीज़ जो सभी में हो, सभी को हम क्या बोल सकते हैं बॉय। वैसे कई सीता, मीना, टीना, कई लोगों का नाम है तो उसमें हम कॉमन क्या बोल सकते हैं गर्ल्स, मतलब गर्ल्स एक ऐसा वर्ड हो जो तीनों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कॉमन का मतलब ऐसा क्वालिटी जो तीनों में हो, मतलब ऐसा जो हम तीनों लोगों को उसी चीज़ से पुकार सकें। उसके बाद कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स मतलब प्रदर्शित करता है द ग्रुप ऑफ क्रीचर, प्राणियों के समूह को, प्लेस जगहों के समूह का, थिंग वस्तु को। जैसे पीपल लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, कई व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं पीपल। और बैच मतलब दल होता है, मतलब खिलाड़ी यदि कई खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं तो एक समूह बनाते हैं, उस समूह को इंग्लिश में बैच बोलते हैं। तो एक दल है तो उस पूरे दल को क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वैसे फैमिली मतलब होता है परिवार, परिवार कई मेंबर्स का सदस्य होता है, कई मेंबर्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं फैमिली परिवार, तो इसीलिए हमारा एक कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद होता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट्स प्रदर्शित करता है द नेम ऑफ अ मटेरियल, मतलब इसमें मैटर को बताता है। जैसे गोल्ड हमारा सोना मैटर है, सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, वुड लकड़ी, स्टोन पत्थर, मतलब जो धात्विक वस्तुएं हैं। आपको यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो धात्विक वस्तुएं होती हैं, जो धातु से बनी होती हैं, धात्विक वस्तुएं होती हैं उनको मटेरियल में मैटर, मैटर मतलब होता है पदार्थ। सोना चांदी, हीरा मोती, पत्थर, ये सभी हमारे क्या होते हैं पदार्थ होते हैं, साइंस में हम पढ़े होंगे। एबस्ट्रेक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एबस्ट्रेक्ट नाउन जो होता है इज समथिंग, मतलब कुछ ऐसा होता है दैट जो वी कैन नॉट टच, हम स्पर्श नहीं कर सकते, टच मतलब छूना या स्पर्श नहीं कर,
वी कैन ओनली फील इट, मैं हम केवल इसको महसूस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ पर्सन कैन नॉट फिजिकली इंटरेक्ट सच थिंग्स, इन वस्तुओं से कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, संपर्क नहीं बना सकता। वी कैन नॉट सी, हम देख भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते, हियर सुन भी नहीं सकते, स्मेल उसका सुगंध भी नहीं ले सकते हैं, गंदे टेस्ट स्वाद भी नहीं। दीज नाउन, मतलब ये ऐसे नाउन होते हैं, अबस्ट्रे नाउन ऐसे होते हैं, न इनको हम देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न सुन सकते हैं, न गंध है इसका स्वाद, गंध मतलब होता है सुन, न सुन सकते हैं, टेस्ट भी इनका नहीं ले सकते। जैसे आनेस्टी, आनेस्टी को हम छू टच कर सकते नहीं, ये हमारा क्या है, अबस्ट्रे नाउन। लव, प्यार, थेफ्ट, चोरी, हैट, घृणा करना, टाइम, समय, थिंकिंग, सोचना, फीलिंग, महसूस करना या अनुभव करना, मैथमेटिक, गणित, एक्सपेक्टेशन, ये हमारे कौन से नाउन है, ये हमारे अबस्ट्रेट नाउन है। अब आपको चलिए बेहतर तरीके से, लव इज लाइफ, प्यार जिंदगी है, आई लव यू, मैं आपसे प्यार, तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ से आपको क्या समझ में, जो लव वर्ड है यहाँ पर नाउन की तरह काम करता पहला, और यहाँ पर वर्ब की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये जो पहला लव, मतलब पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए, जो लव वर्ड है ये वर्ब भी हो, एक वर्ब की तरह कार्य करता है, दूसरा नाउन की तरह। यहाँ पर ही पहला वाला नाउन की तरह कार्य, और कौन सा नाउन है, अबस्ट्रे नाउन। अब गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन को पढ़ लिए हैं, और आपको क्लियर होना चाहिए कि यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ है, तो उसमें हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग होते हैं और आर्टिकल लेके 9 होते हैं, तो उन्हीं 9 वर्डों में से कोई ना कोई होगा, ये आपको समझना होगा। कि यहाँ ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा नाउन होगा एक वर्ड होगा, यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो हमारा नाउन होगा एक वर्ड ही होगा, वर्ड के सिवा कुछ और नहीं हो। और वर्ड किससे मिलकर बना होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो वर्ड होता है वो लेटर्स से मिलकर बना होता है, जिसका कुछ मतलब होता है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है।